जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। ज्योतिष रहस्य में आज हम आपको राहु यदि पति पत्नी वाले स्थान पर यानी सप्तम भाव पर बैठ जाता हो, मीन लग्न की पत्रिका, यानी कि लग्न में जहां पे लग्न शब्द लिखा रहता है उस जगह यदि 12 नंबर डला हुआ हो तो वह मीन लग्न की पत्रिका कहलाती है। तो मीन लग्न वालों के लिए राहु जो है शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि मीन राशि में राहु नीच का होता है। यह लग्नेश यानी बृहस्पति का शत्रु होता है, क्योंकि मीन लग्न का मतलब ही हो गया उसका मालिक जो है गुरु होता है और उसका शत्रु है, राहु का शत्रु है गुरु। अतः राहु जो है मीन में शत्रु जैसा अशुभ फल प्रदान करता है, यानी मीन राशि वालों को और मीन लग्न वालों को राहु से बहुत बच करके रहना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में उठापटक अवश्य होगी ही होगी। यानी जिसका मीन लग्न की पत्रिका है उस मनुष्य को राहु की शांति पूरे जिंदगी भर कराते रहना चाहिए, अन्यथा जिस जगह बैठा होगा राहु उस जगह के संपूर्ण फल को खा जाता है, मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है। यही आज हम बताने वाले हैं कि सप्तम भाव यानी पति पत्नी वाले स्थान में यदि राहु बैठा हुआ हो, यानी राहु के साथ में 6 नंबर लिखा हुआ हो, तो मान के चलें राहु जो है सप्तम भाव में बैठा हुआ है कन्या राशि का, तो राहु मीन में शत्रुवत फल प्रदान करता है। सप्तम स्थान पर राहु कन्या राशि में स्वग्रही माना गया है। ऐसा मनुष्य जो है स्वतंत्र विचारों वाला होता है, किसी की नहीं सुनता है, सलाह जरूर ले लेगा अपन करेगा अपनी मर्जी की, और अपनी मन पसंद से शादी करता है, यह भी एक बहुत बड़ा दोष होता है। और अपनी मनपसंद से शादी कर ले वहां तक भी ठीक है चलो, परंतु राहु सप्तम भाव वाला मीन लग्न में वह उसकी वासना बहुत ज्यादा तीव्र होती है, यानी उसकी पत्नी उसके द्वारा सहवास करने की वजह से परेशानी में आ जाती है, बीमार रहने लगती है। और ऐसा मनुष्य दूसरी स्त्रियों में इंटरेस्ट लेने लगता है, उनके साथ रहने लगता है, जिससे दांपत्य जीवन बिगड़ जाता है। अब मैं यहां पे यह कहूंगा कि मीन लग्न की पत्रिका में यदि राहु सप्तम भाव में हो, चाहे किसी स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, ऐसे स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए, वह चरित्रहीन अवश्य होते ही होते हैं, और अपनी जिंदगी में अपनी विवाहिता स्त्री के अलावा दो चार अन्य स्त्रियों से भी शारीरिक संबंध बनाते ही बनाते हैं। अब इससे क्या होता है कि उनका पुण्य नष्ट होता है, पुण्य ट्रांसफर हो जाता है, और सप्तम भाव का जो राहु है उसकी दृष्टि लग्न स्थान यानी मीन राशि पर पड़ती है। तो ऐसा कहा गया है क्योंकि मीन राशि का मालिक जो है गुरु होता है, तो प्रयासों में सफलता बहुत देरी से मिलती है, और कई बार तो उस मनुष्य के दो विवाह होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि स्त्रियां पराई स्त्री को स्वीकार नहीं करती है और पुरुष भी स्वीकार नहीं करता है पराए मर्द को, तो चरित्रहीनता कोई भी स्वीकार नहीं करता है। तो इस वजह से जिस भी मनुष्य के लग्न पत्रिका में मीन लग्न में मीन लग्न की पत्रिका हो और सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ हो, तो मान के चले
उसके दो या दो से अधिक विवाह होने की संभावना ज्यादा होती है और वह पूर्णतः चरित्रहीन तो होता ही होता है। चाहे कितना ही वह धार्मिक प्रवृत्ति वाला मनुष्य हो, वह गुप्त रूप से किसी न किसी पराई स्त्री से, या स्त्री है तो पराई पुरुष से शारीरिक संबंध अवश्य बनाती है। अब हम और गहराई में यदि जाते हैं तो राहु जो है सप्तम भाव में यदि उसके साथ में सूर्य बैठ जाए तो वह विवाह को टूटाएगा ही टूटाएगा, यानी तलाक होगा ही होगा, कोई भी नहीं रोक सकता, किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं रोक सकती। कितनी ही जप करा लो, कितना ही दान धर्म कर लो, कुछ भी कर लो, विवाह टूटेगा ही टूटेगा। चाहे जल्दी टूटे, चाहे 10-12 साल के बाद टूटे, चाहे 20 साल के बाद टूटे, परंतु विवाह अवश्य होता, टूटता ही, विवाह विच्छेद होता है। यानी यहां पे एक सूर्य ग्रहण योग लग जाता है, पितृ दोष की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए विवाह टूटता ही टूटता है। यानी पितृ भी उस विवाह को तोड़ने का काम करते हैं, और यह इसलिए होता है कि ऐसा मनुष्य जिसका राहु सप्तम भाव में होता है, मीन लगन में, वह अपनी मर्जी से शादी करता है, लव मैरिज करता है, और उसके ऊपर पितृ दोष लगता ही लगता है, कुल देवी देवता का दोष भी लगता है, और जब सूर्य बैठ जाता है तो वह विवाह विच्छेद कराता ही कराता है। यदि राहु के साथ उस जगह यदि चंद्रमा बैठ जाए तो चंद्र ग्रहण योग हो जाता है, और चंद्र ग्रहण योग होने की वजह से उस मनुष्य के ऊपर खिलाई पिलाई हो जाती, क्योंकि वो पराई स्त्रियों के पास जाता आता है, स्त्री है तो पराई मर्द के पास जाती आती है, और इस वजह से उसके वशीकरण होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, प्रेत बाधा लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अपने मर्द के अलावा या अपनी स्त्री के अलावा अन्य के साथ में शारीरिक संबंध बनाने पर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, वशीकरण, उच्चाटन, ये सब होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि एक ही पुरुष होना चाहिए और एक ही स्त्री होनी चाहिए, उसके बाहर मनुष्य को अपने पैर नहीं पसारने चाहिए। तो राहु के साथ चंद्रमा यदि बैठ जाता है तो ग्रहण, चंद्र ग्रहण योग हो जाता है, और उसकी वजह से भी उसकी स्त्री जो है बीमार रहने लगती है, और बीमार रहने की वजह से उसको शारीरिक सुख नहीं मिलता है, तो वह शारीरिक सुख कहीं दूसरी जगह देखने का काम करता है। मीन लग्न की पत्रिका में राहु यदि सप्तम भाव में बैठा हुआ होता है तो राहु मंगल, राहु के साथ यदि मंगल भी बैठ जाए तो विलंब विवाह योग कराता है, यानी देरी से वह विवाह होने की संभावना होती है, और विवाह होने के बाद में पति पत्नी में नोक झोंक होती रहती है, पति पत्नी में झगड़ा होते रहता है, अंगारक योग बन जाता है यहां पर। और जब पति पत्नी में नोक झोंक होती रहती है तो वह पुरुष पराई स्त्रियों में अपना इंटरेस्ट लेने लगता है, और यदि स्त्री है तो वह पराई पुरुषों में इंटरेस्ट लेने लगती है, जिससे दोनों चरित्रहीन हो जाते हैं और अंततः घर टूटने की नौबत आ जाती है। राहु के साथ में यदि बुध बैठ जाए, मीन लग्न की पत्रिका में सप्तम भाव में यदि राहु हो तो आप ये मान के चलो उसके साथ बुध बैठ जाता है, राहु बुध में आपस में मित्रता होती है तो विवाह के बाद भाग्योदय होने की संभावना अधिक होती है। और राहु और बृहस्पति यदि बैठ जाए, राहु के साथ गुरु बैठ जाता है मीन लग्न की पत्रिका में, और गुरु अपनी ही राशि को, मीन राशि को देखता है तो स्वग्रही होने से चांडाल योग बन जाता है, तो पत्नी से और ससुराल वालों से झगड़ा उसका होता ही होता है। यानी ऐसी स्त्री को नहीं लेकर के आना चाहिए जिसका मीन लग्न की पत्रिका हो और राहु सप्तम भाव में बैठा हो, तो वह अपने ससुराल वालों से झगड़ा करेगी ही करेगी, और बहुत जल्दी उस घर से अलग हो जाती है, और उसका अपने ससुराल वालों से यानी सास से, ससुर से और परिवार वालों से 36 का आंकड़ा हो जाता है। ऐसी स्त्री को भी घर में नहीं लाना चाहिए।
राहु बृहस्पति की युक्ति भी अच्छी नहीं मानी गई है। मीन लग्न की पत्रिका में यदि राहु सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे स्त्री और ऐसे पुरुष से मेरे हिसाब से तो विवाह ही नहीं करना चाहिए। और राहु के साथ यदि शुक्र बैठ जाए तो इसका मतलब यह होता है, राहु के साथ शुक्र बैठ जाता है मीन लग्न की पत्रिका में सप्तम भाव में, तो पुरुष कई स्त्रियों के साथ में जो नीच किस्म की स्त्रियां होती है, उन स्त्रियों जो चरित्रहीन स्त्रियां होती है, उन स्त्रियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और अपने पुण्य का नाश करता है। इसी प्रकार से यदि कोई स्त्री है और उस स्त्री की पत्रिका में भी सप्तम भाव में शुक्र राहु बैठ गया हो तो ऐसी स्त्री बदचलन होती है, चरित्रहीनता की पराकाष्ठा होती है। ऐसी स्त्री के साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा विवाह अवश्य टूटता ही टूटता है। और ऐसी स्त्री का विवाह टूटने के बाद में वह अपने स्वतंत्र विचारधारा की वजह से अपने माता पिता के पास भी नहीं जाती है और स्वतंत्र अपनी जिंदगी जीती, ताकि कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और राहु के साथ यदि शनि बैठ जाए, मीन लग्न की पत्रिका में यदि राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ हो, यानी मीन का मतलब हो गया 12 नंबर लग्न के साथ लिखा हुआ हो, तो उसी के जस्ट सामने राहु बैठा हुआ होता है, राहु के पास में 6 नंबर लिखा हुआ होता है तो उसे सप्तम भाव कहते हैं। तो राहु शनि यदि सप्तम भाव में बैठ जाते हैं मीन लग्न की पत्रिका में, तो यदि स्त्री है तो उसे पति की मृत्यु होती ही होती है, यानी उसे विधवा योग है ही। कितना ही जप कर लो, कितना ही तप कर लो, कितना ही दान कर लो, कितना ही अनुष्ठान करा लो, किसी की ताकत नहीं जो इन ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को खत्म कर दे। राहु शनि की युक्ति में यदि स्त्री की पत्रिका में है तो उसे विधवा होना ही होना पड़ेगा, और यदि पुरुष की पत्रिका में है तो उसकी पत्नी की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, अचानक बीमारी लगती है, कैंसर हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाती है, क्रोनिक डिजीज हो जाती है और बहुत जल्दी वह स्वर्गवासी हो जाती है। यानी दो विवाह के योग होते ही होते हैं। इसीलिए सिर्फ मेरा धर्म है आपको जागृत करना। अब आपके जीवन में यदि ईश्वर ने कष्ट लिखा है तो आप इस ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर पाओगे, और जिन जिन मनुष्यों ने यह ज्ञान प्राप्त किया है वह आगे इसको अवश्य फॉरवर्ड करें, ताकि बहुत से मनुष्य अपनी जिंदगी में कष्टों से बच सकते हैं, कष्ट को कम कर सकते हो इस प्रकार के रोक लगा करके। अब मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। यदि किसी मनुष्य को अपनी पत्रिका चेक करवाना है, अपनी पत्नी की पत्रिका चेक कराना हो, अपनी लड़की की पत्रिका चेक कराना हो, अपने बच्चे की पत्रिका चेक कराना हो, अपनी प्रेमिका की पत्रिका चेक कराना हो या अपने प्रेमी की पत्रिका चेक कराना हो, तो वह देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर संपर्क कर सकता है, 7649862712, और दूसरा नंबर है 9893128047। इन दो नंबर पर आप अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके उचित दक्षिणा के साथ पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं, ताकि आपकी आंखें खुल सके कि कौन बालक, कौन स्त्री, कौन पति या कौन लड़का या कौन लड़की, उसके जीवन में क्या घटना घटित होने की संभावना है, ताकि आप अभी से उसके लिए उचित व्यवस्था कर सकें। क्योंकि पहले से की गई व्यवस्था मनुष्य को कष्ट कम देती है, तकलीफ कम देती है, वेदना कम देती है और परेशानी भी कम देती है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। मां भगवती जगत जननी आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, और हम कोशिश यही करेंगे, मां के चरणों में अरदास लगाएंगे कि यदि किसी के जीवन में यदि ऐसी लग्न चार्ट आ गया हो, मीन लग्न की पत्रिका हो गई हो और राहु बैठा हुआ हो, तो उसके जीवन में कोई सद्गुरु उसको मिले, ताकि वो सही राह पर चल सके और अपने इस शरीर के द्वारा जो चरित्रहीनता उत्पन्न होने वाली है उसको वह बचा सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।